नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, क्या आप फीवर को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं? क्या आपको बार बार फीवर होने लगता है, या आपको बहुत ज़्यादा फीवर हो जाता है और वह सही नहीं होता है? तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो डॉक्टर मणि चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ज़्यादातर गर्मियों के मौसम में फीवर बहुत ज़्यादा लोगों को हो जाता है, क्योंकि यह या तो वायरल फ्लू के कारण होता है, या तो मौसम जब चेंज होता है या मौसम में परिवर्तन होता है, तो उस समय फीवर लोगों को होने लगता है। तो आप बहुत सारी दवाओं का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन आपका फीवर जाता नहीं है। या आप एक दिन दवा खाते हैं, फिर एक दिन गैप कर देते हैं, फिर एक दिन खाते हैं या गैप कर देते हैं, उस तरह आपको फीवर जल्दी सही नहीं होता है। वह बार बार आपका फीवर चढ़ता उतरता है। तो आप अगर ज़्यादा दवाओं का प्रयोग कर लिए हैं, आपका फीवर नहीं जा रहा है, तो हम आपको कुछ ऐसी दवाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको आप ले करके आप अपनी फीवर को आप जड़ से खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, ध्यान रहे कि कोई भी दवा आप अपने मन से ना लें, डॉक्टर की सहायता से लें, ताकि आपको जो भी परेशानी है या फीवर की समस्या है वह सही टाइम पे सही हो जाए। दोस्तों, यह फीवर की समस्या जो है यह बुजुर्गों, बच्चों या युवाओं को ज्यादातर ग्रसित करता है। यह सभी लोगों को ग्रसित करता है कि क्योंकि यह गर्मियों का मौसम हल्का ठंडा रहता है और गर्म होने के कारण मौसम में परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से लोगों को फीवर की समस्या होने लगती है। तो इसको लेकर के आप परेशान हैं, तो कुछ दवा खा करके आप अपनी फीवर की समस्या सही कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपको वो फ्लॉक्सासिन टेबलेट के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको आप यह टेबलेट खा करके अपनी फीवर की समस्या को सही कर सकते हैं। दोस्तों, यह फ्लॉक्सासिन टेबलेट जो है, जो यह एक एंटीबायोटिक टेबलेट है जिसको फीवर में बहुत ज्यादा डॉक्टर यूज करते हैं और चलाते हैं, इसी की वजह से आपका फीवर जो रहता है वह सही हो जाता है। इसके साथ साथ डॉक्टर आपको, अगर आपके शरीर में दर्द रहता है या आपके सर में दर्द रहता है, तो कुछ पेन किलर का टेबलेट भी इसके साथ यूज करते हैं, ताकि आपका जो पेन है वह सही हो जाए। या इसके साथ साथ डॉक्टर आपको कुछ पैरासीटामॉल का टेबलेट भी यूज कर सकते हैं, ताकि आपका फीवर, क्योंकि जब तक आप पैरासीटामॉल यूज नहीं करेंगे तब तक आपका फीवर जो है वह जड़ से खत्म नहीं होगा। इसलिए डॉक्टर आपको पैरासीटामॉल का टेबलेट भी इस एंटीबायोटिक के साथ खिलाते हैं, ताकि आपका फीवर जो है वह जड़ से खत्म हो जाए। दोस्तों, चाहे बच्चे हों या बुजुर्ग हों या युवा हों, सबको एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आजकल इतना गलत खान पान होने के कारण बहुत ज्यादा दवाओं का प्रयोग होता है। चाहे वो सब्जी हो, कोई भी चीज हो, बिना दवा का कोई भी सब्जी तैयार नहीं हो पाता है, क्योंकि ज्यादातर कीड़े मकोड़े जो रहते हैं वह सब्जियों को खराब कर देते हैं। इसकी वजह से लोग उसमें दवा डालते हैं या छिड़काव करते हैं, जिससे हम लोग जब वह सब्जियां खाते हैं तो जो दवा उसमें डाला जाता है उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर दवाएं काम नहीं करती या फीवर अपने आप सही नहीं होता। तो उतने समय डॉक्टर आपको कुछ एंटीबायोटिक टेबलेट या उसके साथ पैरासीटामॉल या आपको पेन किलर दे देते हैं, या आपको कुछ एसिडिटी की उसमें टेबलेट मिला करके देते हैं, ताकि आपकी फीवर जो है वह सही से ठीक हो जाए। दोस्तों, यह जो दवा रहता है, डॉक्टर आपका कंडीशन देख करके आपको 3 दिन चला सकते हैं, 5 दिन भी चला सकते हैं, 1 हफ्ता चला सकते हैं। यह आपके कंडीशन के ऊपर निर्भर रहता है कि आपको कितना फीवर है या कितने दिन से फीवर है, उस समय डॉक्टर आपको यह टेबलेट खाने की सलाह देते हैं। दोस्तों, यह ओफ्लॉक्सासिन टेबलेट जो है, यह है OP-200 के नाम से आता है, जो हरिजन बायो सिटिकल प्रिविटी लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है। इस टेबलेट को आप यूज करके अपने फीवर की समस्या या बुखार की समस्या को आप सही कर सकते हैं। दोस्तों, यह ओफ्लॉक्सासिन टेबलेट जो है, उतने समय आप बच्चों को प्रयोग ना करें। अगर उनको फीवर हो गया तो इस टेबलेट का प्रयोग ना करें, क्योंकि यह केवल एडल्ट के लिए बनाया गया है। तो उतने समय आप इस टेबलेट को बच्चों को ना दें, नहीं तो ओवरडोज होने के कारण उनकी तबीयत भी बिगड़ सकती है। तो उतने समय आप बच्चों को यह ओपी टेबलेट या ओफ्लॉक्सासिन 200 का टेबलेट ना दें। अगर बच्चों को फीवर हो जाए तो डॉक्टर बच्चों की जो दवा रहती है, तो उनको भी कुछ एंटीबायोटिक दे करके, उसके साथ पैरासीटामॉल दे करके, अगर बच्चों को दर्द है तो उसमें भी सिरप आता है, उसमें भी पेन किलर का सिरप दे करके आपके बच्चे का फीवर सही कर देते हैं। दोस्तों, यह है ओपी जो टेबलेट है 200 का, इसमें ओफ्लॉक्सासिन 200 mg मिलाया गया है। इसके साथ साथ लैक्टिक एसिड बैकलस 60 मिलियन मिलाया गया है, जो आपको फीवर के साथ साथ अगर एसिडिटी की समस्या होती है तो उसमें भी यह बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। दोस्तों, यह टेबलेट जो है, आप किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोर पर जा करके आप OP-200 के नाम से आप इस टेबलेट को या दवा को ले सकते हैं। दोस्तों, यह टेबलेट जो है, यह आपको एक स्टिक लगभग 70 रुपए का किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। तो इस टेबलेट को लेकर के आप अपने फीवर की समस्या को सही कर सकते हैं। दोस्तों, यह ओफ्लॉक्सासिन टेबलेट है, यह है आपको डॉक्टर कई तरह की बीमारियों में भी दे सकते हैं। मान लीजिए आपको खांसी आ रहा है, तब भी आपको ओफ्लॉक्सासिन टेबलेट दे सकते हैं, या आपका कहीं चोट लग गया है, स्वेलिंग है, तब भी ओफ्लॉक्सासिन टेबलेट दे सकते हैं, या आपका कटा है, तब भी ओफ्लॉक्सासिन टेबलेट आपको दे सकते हैं, क्योंकि यह एंटीबायोटिक है। यह हर जगह ज्यादातर बीमारियों में इसका प्रयोग डॉक्टर आपको यूज कराते हैं, ताकि आपकी जो भी परेशानी है उसमें सही हो जाए।
या बैक्टीरिया इन्फेक्शन में भी आपको डॉक्टर खाने की सलाह दे सकते हैं। मान लीजिए आपका कंडीशन जैसा रहे उस तरह डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक खाने की सलाह दे रहे हैं। हो सकता है आपको एंटीबायोटिक की जरूरत ना पड़े, डॉक्टर आपको कुछ पैरासीटामोल का टेबलेट भी दे करके आपके फीवर को सही कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रहे, कोई दवा लेने से पहले अपने नजदीकी डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही आप कोई दवा लें, क्योंकि आपको दवा के बारे में उतनी जानकारी या नॉलेज नहीं है, तो दवा को आप अपने मन से यूज ना करें। जहां तक वो डॉक्टर से संपर्क कर ले, सलाह कर ले, उसके बाद कोई दवा लें। दोस्तों इस दवा को खाने के बाद आपको कुछ साइड इफेक्ट अगर शरीर के अंदर देखने को मिल रहे हैं, तो उतने समय इस दवा को आप बंद करके तुरंत अपने नजदीकी डॉक्टर से कंसल्ट करें, जिससे आपकी जो भी परेशानी हो रही है वह इसका सही से इलाज हो सके। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है। नेक्स्ट अगले वीडियो में इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करता रहूंगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो डॉक्टर मणि चैनल को लाइक शेयर करते रहिएगा। दोस्तों देर न करते वीडियो को ही विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।